सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्यों कहा कि हमें क्वालिटी ऑफ लॉ लॉयर्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है सबसे आप एक बात बताइए कि एविडेंस टैंपरिंग कितनी इजी होती है जितना दृश्य में दिखाया गया उतना इजी होता है कुछ एडवर्टाइजिंग देखते हैं हम लोग आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या फिर जो क्लेम कर रही हैं कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को टक्कर दे सकते हैं कुछ कंपनीज है जो एडवर्टाइजमेंट बहुत खुले में कर रही हैं अबाउट क्योरिंग सर्टन डिजीजेज और कि उनके पास शुगर Uh, को ठीक करने की रिवर्स करने की दवाई है सोशल मीडिया पे टीवी वी एडवर्टीजमेंट फ्रंट पेज uh, I mean, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट्स एक काफी पॉपुलर केस भी चल रहा है पतंजलि जी वकील आदर, आदर। हाजिर हो क्या आपने देखा है कि एडमिशल होता है और उसके बाद बेल्स और रूलिंग्स आती हैं क्या उसमें कोर्ट उसको कंसिडर करता है डिपेंड करता है कि अगर आप देखो काफ़ी बार ऐसा होता है मैंने भी काफ़ी केसेस देखे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बेल ऐसे ही लिए कि व्हाट्सअप चैट हमारे पास थी फॉर एक्जाम्पल एक सिंपल केसेस बता रहा हूँ मैं ज़्यादा बड़े केसेस की बात नहीं करूंगा हार्श केसेस की जैसे मान लो मेरे पास कोई कोई किसी भी तरह का सबूत नहीं है कि आपने मेरे से पैसे उधार लिए आपने मेरे से पाँच लाख रुपये उधार ले लिए कि अक्शय जी मैं आपको दे दूंगा एक हफ्ते के अंदर मेरे को आपने नहीं दिए मेरे पास कोई चेक नहीं है आपका किसी तरह का कोई प्रोमिसरी नोट नहीं।, नहीं है आ, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं आपसे क्लेम कर सकूँ वो पैसा ना हो तो मैं कैसे क्लेम करूंगा तो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया दिमाग लगा के कि यार वो आपको पाँच लाख देना थे कब दे रहे हो तो आपने कहा दो दिन का टाइम दो तो आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई ओके अब मेरे पास एक एविडेंस है आपके खिलाफ मैं उसको लगा दूंगा कोर्ट में कि सर इसने मेरे पाँच लाख देने थे लीगल नोटिस भेजूंगा पहले तो मैं आपको ठीक है ये कई बार हम क्लाइंट को समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था तो इस तरीके से आप एविडेंस क्रिएट करो पहले तो कि आपका पैसा बनता है उसे इस तरह से बात करो कि वो आपको रिप्लाई में बोल दे कि हाँ दे दूंगा एक हफ्ते बाद तो आपने एविडेंस तो बना लीजिए आपका केस आ गया अब ठीक है अब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा कि यार मेरे पैसे वापस करो तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप चैट लगाऊंगा अब नाउ हो यहाँ पर एक चीज़ आती है अब मैंने व्हाट्सअप चैट लगाई चांसेस अगर वो कोर्ट में आकर उसको डिनाई कर दे कि मैं इसको नहीं मानता तो उस चैट पर भी तो केस चल सकता है अनटिन एनलेस की क्योंकि इस चैट के अलावा भी मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरा को केस डिसअप्रूव भी हो सकता है पूरा यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है कि मैं प्रूव भी ना कर पाऊँ क्योंकि उस चैट के बेस पे मैंने केस फाइल करा है तो उसकी रेलिवेंसी जो है वो इतनी है कि जब तक वो उसे एडमिट नहीं कर रहा अब उसकी रेलिवेंसी तब स्ट्रॉग होगी जब उसे आके कह देगा मैं कहूँगा ये चैट आप ही नहीं करी है ना ये मेरे क्लाइंट से आपकी बात हुई है इस तारीख को वो कह देगा हाँ सर ये मैंने बात की थी लेकिन मैंने मैंने पैसे दे दिए जैसे उसने हाँ बोला स्टेटमेंट लिखवाई अब मेरी वो चैट कारोबरेटेडेड पीस ऑफ एविडेंस पर मटेरियल एविडेंस की तरह कोर्ट में लग गई है ओके अब वो परमानेंट हो गई है अब उसको कोई नहीं हटा सकता अब उसको पैसे देने पड़ेंगे मतलब उसका पाँच लाख का उधार तो कन्फर्म हो गया अब वो ये प्रूफ करे कि मैंने इसको पैसा दिया था या नहीं दिया था वो सारे ट्रायल का मैटर है लेकिन मेरा केस यहाँ स्ट्रॉन्ग बन गया मेरी वो चैट जो थी वो अब वो एक परमानेंट पीस ऑफ एविडेंस में कन्वर्ट हो गई है जो पहले नहीं थी पहले वो एक पीस ऑफ पेपर था या उसमें फ़ोन में लेके घूम रहा था कि बस मेरे पास बहुत कुछ है तो वो बना कब है जब मैंने उसको चैनलाइज तरीके से कोर्ट में उसे स्टेटमेंट दिलवा दी क्रॉस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में या फिर से लीगल नोटिस भेजा और उसने लीगल नोटिस में एडमिट कर लिया रिप्लाई में अपने वकील से भिजवा दिया और आप कहीं कही ना कहीं अगर आप किसी को चैट दिखाओगे लाइव फ़ोन पे तो वो एडमिट कर ही लेगा उसको कोई मना नहीं करेगा कि आपके फ़ोन में बात हुई उसको पता हाँ। टेलीफोन एक्सचेंज सब निकलवा लेंगे कोई ना कोई तरीका तो होगा निकलवाने का तो वो हाँ ही भरेगा तो आपका केस में स्टैंड आउट हो जाता है तो व्हाट्सअप चैट चैट की रिलिवेंसी यहाँ बन जाती है तो हमने भी काफ़ी केसेज में इसी तरीके से कोई बिल लगा दी कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया तो किसी ने कभी चैट को डिनाई नहीं करा और कोर्ट ने उसको सुन लिया कि ठीक है फिर बेल मिल गई कि सर ये सारी बातें तो फोन पर और रखी थी देर इज़ नथिंग सबस्टानशियल इन द केस मोबाइल फ़ोन डिवाइस जिन पर वीडियो शूट करी हो या इमेज़स क्लिक करी हो वो रखने ज़रूरी हैं इज़ इट्रू हाँ जो फ़र्स्ट फर्स्ट डिवाइस होती है जहाँ से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे अभी अपने फ़ोन से चैट करा तो वो आपको रखना जरूरी है अपने पास उसका होल्ड आपके पास होना चाहिए अदरवाइज अगर आप बार बार डिवाइसेज चेंज कर रहे हो तो उस एविडेंस का भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस खत्म हो जाता है तो जिस डिवाइस से औरजिनल डिवाइस से निकाला उसको आपको अपने पास रखना ज़रूरी है राइट टू प्राइवेसी में जब होटल्स में जाते हैं आप लोग और आपसे रिसेप्शन पे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं तो आधार कार्ड वगैरह की पूरी डिटेल्स वो लोग फोटो कॉपी करके आपका आधार कार्ड रख लेते हैं इज इट वैलिड इज इट द राइट प्रैक्टिस या फिर कुछ उसके अंदर प्रोसीजर है कि जो आजकल हिडन आधार कार्ड नंबर आ रहे हैं कि इफ अथॉरिटी इज वॉन्ट टू यूज इट एट अ लेटर स्टेज दे कैन यूज इट देखो आधार कार्ड लेना उनको भी ड्यूटी बाउंड कर रखा है पुलिस ने गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल इफ आई आई पी आई विजिट टू अ होटल तो अगर उन्होंने मेरे से आधार कार्ड नहीं लिया तो आई मे बी ए आई मे बी अ पर्सन हु इज अटैकिंग द पार्लियामेंट tomorrow. हुँ, तो मैं किसी को भी मतलब एक होटल किसी को भी तो स्टे uh, नहीं दे सकता ना तो फोटो कॉपी करवाना वैलिड है दिस इज समथिंग कि उनके ऊपर एक ड्यूटी है कि आपने आधार कार्ड नहीं लिया उसकी आइडेंटिटी पता नहीं करी वो कौन था कौन हुँ, नहीं हुँ, था हुँ, हुँ, लेकिन फोटो कॉपी अगर आपको डाउट है कि मेरा मिस यूज हो सकता है तो आपको क्रॉस कर दो जनरली लोग उसको क्रॉस कर देते हैं दिस दिस फोटो कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड विल बी यूज फॉर दी रेजिडेंस पर्पज ओनली ये लिख के डाल दो डेट पे डेट डाल दो नीचे तो वो आपको मिस यूज़ नहीं कर सकता आधार कार्ड वो मिस क्या होता है जब ल, लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं उसकी फोटो कापी व लोग ले लेते हैं और वो उसको उसके बाद कुछ क्रॉस रोड नहीं करते वो चले जाते निकल जाते हुँ. अब वो आधार कार्ड की जो कॉपी है वो आगे चली जाती है हुँ. उसके फिर मिसयूज अकाउंट्स बनते हैं उसके नंबर्स बेचे जाते हैं सब कुछ होता है तब आप फंसते हो होटल वाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है सही ठीक है कि उसका काम है आपसे आधार कार्ड की कॉपी लेना आपकी आइडेंटिटी पूछेगा वो कि कहाँ रहते हो कहाँ क्योंकि कल को अगर कोई आपने कोई क्राइम पुलिस में होटल में रहते हुए भी, भी किया तो होटल उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगा यहाँ पे कौन रहने आया था उसके वैलिड प्रूफ आपके हुँ। पास फोटोकॉपी उसका एड्रेस क्या है तो आप होटल वाले यहाँ पर सही है ठीक है जो ऑफर लेटर कंपनीज एम्प्लॉयज़ को देती हैं ज्वाइनिंग के वक्त उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को फॉर्मा इन टू बी एम्प्लॉयज को देखनी चाहिए कि ज़रूर लिखी हो ऑफर लेटर के अंदर बेसिकली ऑफ़र लेटर में मतलब तो ज़्यादा चीज़ें मैं बोलूँगा तो होती नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर ज़्यादा डिटेल्ड होता है ऑफर लेटर एक स्टार्टिंग में होता है कि आपको हम बोल रहे हैं इस तारीख से ज्वाइन कर लेना और हम आपको इस डेजिग्नेशन पर रखना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली डिटेल्ड होता है उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटिस की की पॉइंट सारे इन्वॉल्व होते हैं तो ऑफर लेटर में सबसे पहले या अपॉइंटमेंट लेटर में सबसे पहले चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि आपको नोटिस पीरियड कितने दिन का है आपको कंपनी अन टर्म्स पर साइन तो नहीं करवा रही क्योंकि जब भी कंपनी किसी को एम्प्लॉय की तरह रखती है ना तो साइन तो वो पचास सौ पेपर में करवा लेते हैं और लोग कर भी देते हैं लोगों को एक लोगों को चाहिए नौकरी मिल रही है यार बेरोज़गारी देश में इतनी है है आर नॉट चूज़र्स और जो अपनी पसंद से भी नौकरी लेता हूँ उनको पता आप यहाँ पर अगर मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है तो मार देता हूँ साइन लेकिन वो टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं है वहाँ वो गलती कर देते तो पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने से पहले देखना कि हर डॉक्यूमेंट में आपको साइन ही नहीं करना आपको देखना प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का है ट्रेनिंग में कितना पैसा मेरे एक्सपेंडिचर पे जा रहा है ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुई तो मेरे को कंपनी निकाल सकती है तो उसमें मेरे को क्या मिलेगा और मुझे क्या देना पड़ सकता है कंपनी को मान लो एक साल की ट्रेनिंग आपने छः महीने में कंपनी छोड़ दी कंपनी आपसे दस लाख रुपये एक्स्ट्रा क्लेम कर रही है क्या करोगे तो आप बाउंड हो गए कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का है वो आपकी वॉल्यूशनस तो नहीं कर रहा फ्यूचर सर्विसेज के फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आपको बोलती है पाँच साल आप मेरे साथ ही काम करोगे इसके अलावा आप कहीं नहीं जाओगे अब आपकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सच में आपको पाँच साल तक एज अ लेबर काम करवा सकती है कि नहीं जिससे टीचर को आप बांध नहीं सकते पाँच साल के लिए और बांध रहे तो आप ये भी कह रहे हो कि पाँच साल के बाद भी उसके आफ्टर फाइव ईयर्स भी आप किसी और कंपनी में काम नहीं करोगे इस तरह के नेचर के जो बिजनेस में डील करती है तो ये भी आपको समझना पड़ता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन है तो ये सब देख के साइन करो वरना कहेंगे इवन अगर ये लॉज में नहीं थे तो लोगों इन्होंने साइन तो करा है ना दे अग्रीड विद एवरी कि नोटिस पीरियड दूंगा तो पंद्रह दिन का दूंगा और कंपनी हमें हम कंपनी अगर इनको इनको एक हफ्ते में भी निकाल देंगे तो ये अग्री कर रहे थे तो ना अगर ये इनवैलिड पॉइंट्स भी है तो कंपनी हैज़ अ फेवरेबल केस तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती एवरी थिंग जितना ज़्यादा आप उसको देख के साइन करोगे उतना एम्प्लॉयज़ को आई थिंक बेनिफिट मिलता है एक शादी में किस तरह की क्रुअलिटीज़ को कोर्ट मानती है कि सच में क्रुअलिटी है देखो पहले ऐसा होता था कि फ़िज़िकल क्वालिटी ज़्यादा थी इंडिया में मार पिटाई बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद एम होती थी पुलिस की लड़की एम करवा लेती थी मतलब चेहरे पर दिख जाता था कि यार इतना मारा पीटा गया लड़की को तो उस समय तो फिज़िकल क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल था और उसी के बेस पे केस चल जाते थे कंप्लेंट्स एफ आई सब रजिस्टर हो जाती थी आजकल ऐसा नहीं है आजकल मैंने नोटिस करा कि सोसाइटी में मारपीट तो जितने मेरे पे केस आ रहे हैं मेरे पास केस आए इसमें मारपीट इतनी ज़्यादा नहीं है बट हाँ उसके अंदर इकोनॉमिक एब्यूज़ है मतलब लड़कियों को पैसों के लिए तंग किया जा रहा है एक तो उनसे मांगे जा रहे हैं और उनको दिए भी नहीं जा रहे पैसे वर्बल अब्यूज़ है गाली गलोच बहुत ज़्यादा है मां बहन की गालियाँ दे रहे हैं लड़का तो दे रहा है पति सास ससुर भी दे रहे हैं रिकॉर्डिंग से मैंने लड़कियों से सुनी है कि किस घर में चले गए मैं पता नहीं था इतनी गाली गलोच होगी तो वर्बल अब्यूज़ हो गया सोशल एब्यूज हो गया सोसाइटी में बैठे वहाँ पे इमेज खराब कर दी वहाँ चार गालियाँ देनी शुरू कर दी लड़की वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया इसके माँ बाप कुछ लेकर नहीं आए थे ऐसी लड़की ब्याह ब्यादी शादी कर दी कास्ट में नहीं है तो इंटर कास्ट के ताने पड़ रहे हैं लड़की को और क्योंकि अब शादियां इंटरकास्ट भी बहुत ज्यादा हो रही है पहले वाला जमाना नहीं रहा लेकिन फिर भी फैमिली जब इंटरफेरेंस में आती है तो वो अलग अलग तरीके से अब्यूज़ कर रही है अगर वो पैसे नहीं मांग पा रही मार नहीं पा रहे तो उनका और कोर भी तरीका होता है तो कोर्ट आजकल हर तरह की कम्यूलिटी को ले रहा है बीट फिजिकल अब्यूज़ बीट वर्बल अब्यूज़ बीट इकोनॉमिक अब्यूज़ बीट सोशल अब्यूज़ एवरी इज़ इन कंसिड्रेशन ऑफ द कोर्ट कि आप किस तरीके से आप हरासमेंट झेल रहे थे आप के साथ क्या क्या अब्यूज़ हुआ है बट आपको कोर्ट को बताना है कन्वे करना है कि दीज वर दी थिंग्स विच विच वर बॉदरिंग मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई मैरिज एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ एवरी थिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद द फैमिली मैं उस फैमिली के साथ रहना चाहती थी आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ दैट पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी कि मेरे को उस फैमिली को बचा के रखना है इस को अब मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ मेरे पास कोई फिजिकल एब्यूज़ का तो नहीं है बट आई कैन प्रूव कि मुझे वहाँ खाना नहीं दिया जाता था मैं कई बार बिना पंखे के भी सोई हूं मुझे ज़मीन पर सुलाए इन लोगों ने किचन में सोने को मजबूर किया इनका बेटा छ महीने घर नहीं आता था मैंने घर में सारे घर के काम करे दो घर के कामों को काफी कोर्ट्स ने बोला कि ये लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है झाड़ू पोछा मारना कोई अब्यूज नहीं है बट सिर्फ झाड़ू पोछा मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है क्या आप काम ही यही करवा रहे ठीक है लड़की को सारे काम करने चाहिए लेकिन अगर वो सिर्फ झाड़ू पोछा मारने के लिए भी तो नहीं आई यू कैन हैव अ मेड इन योर हाउस तो क्रलिटीज़ को बाइफरग्रेड करा गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्रलिटीज डिफरेंट तरह की मैंशन की गई है और सारी क्रालिटीज आज के डेट में में ली जाती है जितने भी मैंने आपको ये बताई है ठीक है अक्षय आप एक बात बताइए कि एविडेंस टैम्परिंग कितनी ईजी होती है जितना दृश्य में दिखाया गया उतना ईजी होता है डिपेंड करता है माइंड सेट कैसा जिसने क्राइम किया है बेसिकली एविडेंसिंग एविडेंस का टैंपर करना तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ईजी हो या मुश्किल होता है एलिबाई लेना बहुत आसान है आजकल लोग ले लेते हैं कि बेसिकली एलिबाई वही है कि आपको ये बताना है कोर्ट को या पुलिस डिपार्टमेंट को कि जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ जिस दिन वो क्राइम सीन हुआ उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था आई वॉज डूइंग सम अदर थिंग और इसलिए मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता मुझे इलीगली ड्रैक किया जा रहा है मेरा नाम गलत तरीके से एफ में या फिर चार्जशीट में या फिर डिस्टर्व विटनेस में भी डाला गया है मैं तो वहाँ पर था ही नहीं तो हर कोई उससे बचने के लिए एविडेंस को टैम्पर करता है एविडेंस टैम्पर के लिए वो फेक ट्रेन टिकट्स आपको इजीली मिल जाती है आप वहाँ जा भी सकते हो इवन उसी ड्यूरेशन के अंदर लाइक जो आपने बताया उस मूवी में दिखाया है दृश्य मूवी में कि वो पंजीम भी जाते हैं घूम भी आते हैं वो पाव भाजी भी खा लेते हैं और वो सबको ये विश्वास दिला देते हैं कि हम उस दिन यहाँ नहीं थे और उस दिन ऐसा ऑफेंस उस समय पर क्रिएट हो ही नहीं सकता था एंड दे गॉट सक्सेसफुली कि एक्विटेड कि हम निकल गए इस केस से बाहर लेकिन हर किसी के लिए इतना ईजी भी नहीं होता एविडेंस को टैम्पर करना करना तो आसान है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उसको किस तरीके से चैनलाइज कर रहा है और सपोर्ट किसका है फॉर hmm. एग्ज़ाम्पल अगर आपको पुलिस का सपोर्ट है hmm. तो आप उसे इजीली कर सकते हो टाइम hmm. पर फॉर एग्ज़ाम्पल uh, मैं आपको कैसे समझाऊँ एक केस था जिसके अंदर हमें अटैम्प टू मर्डर का केस था बेसिकली थ्री जीरो सेवन के अंदर uh, एक uh, तीन चार लोग बैठे हुए थे उन्होंने कुछ खाना ऑर्डर करा खाने के टाइम पे उनको उनकी चाप गर्म नहीं थी तो उन्होंने होटल वाले को दोबारा बुलाया भाई चाप ठंडी थी क्या कर दिया तुमने तो उसने कहा सर अब खा लो जो भी है उन्होंने कहा नहीं गर्म लाओ कह रहे सर अब लेट हो गया ग्यारह साढ़े ग्यारह हो गए वेयर अबाउट टू क्लोज है रेस्टोरेंट तो नहीं हो पाएगा एंड सब जा रहे हैं तो हमने आपके लिए स्पेशल किया था उन्हें गुस्सा आया उसने मारपीट शुरू कर दी लड़कों ने इतने में सारे होटल वाले इकट्ठे हो गए जो मेरा केस था मैं बता रहा इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको पकड़ के मारा चार लड़कों को जो गर्म चाप खाना चाह रहे थे तो उनको अच्छे से पीट दिया फिर वो बाहर आए लड़के उस वक्त उस वक्त तो वो पिट गए फिर उनमें से एक लड़का लेकर आता गन वो गन लेकर आया उसने वहाँ के जो मैनेजर के पैर पैर पर गोली मार दी सब भगदड़ मर गई सब भाग गए गोली उसने मार दी मार मारने उसको शायद वहीं पर थी या जो भी उसकी इंटेंशन थी हमें नहीं पता और हवा में तीन चार राइफल शूट कर दी भैया वो राउंड शूट कर दिए अब हुआ क्या इस केस के अंदर मेरा क्लाइंट भी वहीं पर था उस समय बाहर उस सिचुएशन पता वो कुछ कर नहीं रहा था वॉज नॉट विद द अदर को अक्यूज बट वो बाहर बैठा हुआ था उसको पता नहीं अंदर क्या हुआ है बस उसे गोली की आवाज आई तो जब पुलिस ने वो केस टेक ओवर करा तो पुलिस वॉज दन हुपरिंग विद द एविडेंस क्योंकि हमारा क्लाइंट जो था उनको था कि इसी को पकड़ना है उनका कोई लिंक नहीं था पुलिस से वो बेचारा शरीफ था तो अगर इसी को फंसा देते बाकी लोगों से पैसे मिल रहे जो गोली वाले थे उनके पास पैसा अच्छा था उन्होंने दे दिए थे अच्छे पैसे कि सर हम जो आप ले लेंगे इसको फंसा दो ये साथ ही था वहीं पर बाहर बैठा हुआ था तो पुलिस ने टेम्पर्ड कर दिया जब मैं बिल करवाने गया था तो आई टॉक टू तो द पुलिस ऑफिसर फर्स्ट कि सर बिल करवानी है और हमारे हमें सपोर्ट चाहिए आपका जो भी कुछ है लड़की की कोई गलती नहीं है शरीफ लड़का है तो दे सैड सर क्या गलती है क्या नहीं है हम वो तो हम बताएंगे मेरे मेरी उनसे बहस हो गई किसी बात को लेकर जैसे हेटेड टार्गमेंट्स होती तो कह रहे सर ये गन मेरे पास है लोकल कट्टा है मैं हवा में चार गोली चला दूंगा इसके हाथ पे रखवा दूंगा हो गई एविडेंस टेम्पर क्या कर लोगे आप मैंने कोर्ट में यही केस मटेरियल बना के भेजना है कि पिस्टल मिल गई है लड़के ने कन्फ्यूस कर दिया कि सोनीपत में पिस्टल पड़ी हुई थी मैं लेकर आ गया जनाब हो गई जेल आपके क्लाइंट को क्या कर लोगे तो अगर यहाँ पर पुलिस का इतना कोऑपरेशन है अगर आपके साथ कि वो आपके अगेंस्ट भी टेम्पर कर सकती है एविडेंस और आपके फेवर में भी तो आप कर सकते हो खुद से अगर आप कर रहे हो बहुत प्रो हो तो बात अलग है लेकिन पुलिस का सपोर्ट आपको चाहिए एविडेंस के लिए टेम्पर के लिए बाकी और वकीलों में भी होता है कई बार कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवाना काफी केसेज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लॉयर्स फॉल्स डॉक्यूमेंट बना देते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है अदरवाइज टेम्परमेंट करना इतना ईजी तो नहीं है कोर्ट हैज आई अपॉन यू कि आपको डॉक्यूमेंट आ रहा है तो उसकी वेरीफिकेशन बहुत स्कूटनी बहुत ज्यादा होती है hmm. और डिपेंड करता है कि आपके पोजिशन में कौन खड़ा हुआ है तो इट्स नॉट दैट ईजी बट हाँ विद कॉपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स इट कैन बी ईजी अबैटमेंट टू सुसाइड की अगर बात करें जो केसेस हम आजकल देख रहे हैं कि टू सुसाइड सुसाइड की के लिए रीजन्स uh, बनाए इस फलाना बंदे ने एंड सिंस द पर्सन कमिटेड साइड तो आप इसके लिए इस चार्जेस पे उनको अरेस्ट कर लेंगे hmm. ये किस हद तक सही बैठता है कोर्ट रूम में आई I मीन mean, किस तरह की कन्वेक्शन्स देखने को मिलते हैं इसमें देखो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है किसी ने मुझे अबेट करा सुसाइड के लिए अबेटमेंट पर्टिकुलरली सी का ही पार्ट है hmm. कि आपको कोई इंस्टिगेट कर, कर रहा है आपको कोई वो करा वर्ड थोड़ा टेक्निकल नहीं है बस लोगों को समझ आने के लिए मैं लीगल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको एबेट किया जा रहा है कि आप सुसाइड कर लो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उस लड़की को इतना सहरास कर दिया कि उस लड़की ने सोचा कि अब मैं सुसाइड कमेंट कर दूँ तो अगर उसने सुसाइड किया तो पूरी फैमिली पे केस हो गया तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है फैमिली ने केस करा बाद में कि मेरी बेटी ने इसलिए आत्महत्या करी इसलिए सुसाइड करा क्योंकि मेरे इसके जो इन लॉस थे उन्होंने वो इसको डेली हिट डाउरी के लिए हरास करते थे तो वहाँ तो वो केस बन सकता है लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आ, सिर्फ इस बेस पे बनाना कि लड़की की मेंटल कंडीशन नहीं थी या लड़के की मेंटल कंडीशन कई बार आई थिंक मैंने एक रिसेंट कंसल्टेसन दी थी इसमें लड़की लड़के की माँ ने सुसाइड कर लिया था मदर ने हुआ क्या कि लड़का लड़की साथ रहते थे शादी हो गई थी अरेंज मैरिज थी लड़की ने आ, लड़की ने अपने हस्बैंड को बोला कि सास ऐसे ऐसे बोल रही है अपने आपकी मदर ने ऐसे ऐसे बोला तो लड़के ने अपनी मदर से लड़ाई कर ली पहले कभी नहीं लड़ा वो बेचारा अपने मदर से लेकिन वाइफ से इन्फ्लुएंस था और ठीक है नहीं नई शादी हुई है कि आप बहुत कर रहे हो मेरी वाइफ को तो जैसे ही उसकी लड़ाई हुई उसकी मदर को कुछ था ऐसा एग्रेशन कि वो गई कमरे में उसने कमरा लॉक करा उसने कैरोसिन की पूरी वो पेस्टिसाइड की पूरी बॉटल पी ली और आफ्टर दैट डायरिया केम और उसमें वो उल्टी वॉमिटिंग करना शुरू करा उसे हॉस्पिटल लेके गए वहाँ के आसपास में तीन दिन वो मदर सर्वाइव करवाई तीन दिन के बाद वो कॉलेप्स हो गई तो इस केस में हस्बैंड थॉट ऑफ कि मैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस डालू मेरी वाइफ के ऊपर कि इन्होंने मुझे अबेट मतलब सॉरी कि इन्होंने मेरी मदर को अबेट करा सुसाइड के लिए अगर वो इतना ना मेरे से बात करती तो मैं वो चीज़ डिलीवर नहीं करता और ये सुसाइड नहीं होता बट स्टिल ही बैकड ऑफ कि नहीं केस क्यों करना है और इट वॉज अ फैमिली अफेयर तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बेसिकली वाइड एरिया है इसमें कन्विक्शंस होती है बहुत अच्छी पनिशमेंट्स भी है टेन ईयर्स प्लस कन्विक्शंस है बेसिकली और नॉन वेलेबल ऑफेंस है कांग्रेसबल ऑफेंस है लेकिन इसको प्रूव करना भी थोड़ा टफ है कई बार डिपेंड करता है कि मेंटल कैपेसिटी कैसी थी सामने वाले की जिसने सुसाइड करा क्या उसे सुसाइड की आदत थी पहले भी वो ऐसे अटैम्प्ट कर चुका था क्या वो बहुत छोटा सा इंस्टेंस था जिसके ऊपर उसने सुसाइड करने की कोशिश करी मान लो मैंने आपको धक्का दिया और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट इतने ज़्यादा हट हो गए कि आपने कहा यार मैं सुसाइड कर दूँगा इसने वो धक्का कैसे दी तो इट इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस फैक्ट्स टू फैक्ट्स कि अलग फैक्ट के हिसाब से चल रहा है सब कुछ कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप अबेड कर सकते हो सुसाइड के लिए hmm. इतना ईजी नहीं है hmm. किसी को भी सुसाइड सुसाइड मीनस कोई आप खुद सुसाइड करना चाह रहे हो hmm. इतना किसी ने आपको परेशान hmm. कर दिया अबेड hmm. कर दिया या आप किसी ने आपको बोला कि तू भी मर जा मैं ही मर जाऊँगा ऊपर मिलते हैं hmm. और आप अबेड हो गए या आप कोई आप पे केस डाल रहा है फैमिली कि इन्होंने मेरे बेटे का अबेट कर दिया इट्स नॉट दैट ईजी तो केस अगर डिपेंड करता है टू टू फैक्ट फैक्ट इसका होता है इट कुछ एडवर्टाइजिंग देखते हैं हम लोग आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर जो क्लेम कर रही हैं कि वो फार्मास्यूटिकल को टक्कर दे सकते हैं कुछ कंपनीज है जो एडवर्टाइजमेंट बहुत खुले में कर रही हैं अबाउट क्योरिंग सर्टेन डिजीजेज और uh, कि उनके पास शुगर Uh, को ठीक करने की रिवर्स करने की दवाई है सोशल मीडिया पे टीवी वी एडवर्टीजमेंट फ्रंट पेज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स एक काफ़ी पॉपुलर केस भी चल रहा है पतंजलि जी हाँ uh -huh. तो हाउ डू यू हाउ डू यू थिंक ये कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब किस तरह से डील करा जाता है इससे देखो फॉल्स एडवर्टीजमेंट मैंने फिर आपको बताया ये सारे के सारे कंज्यूमर लॉस के पार्ट है बेसिकली अगर आपने किसी किसी ने आपसे कुछ फॉल्स एडवर्टीजमेंट uh, देखे कुछ परचेज करा और क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है इसलिए आप उसको ले रहे हो अदरवाइज आप उसको नहीं लेंओगे आप कोई चीज़ तब परचेज करते हो जब आप उसको प्रोजेन्ड कॉन्स देखते हो आप उसकी मैनुफैक्चरिंग डेट भी देखते हो एक्सपायरी डेट भी देखते हो ये सब मैंडेट रूल्स है तो अगर आप इवन सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है कि इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ लोगों ने पीना तभी बंद नहीं करा तो उसके ऊपर एक फोटो लगाई गई गंदी से गंदी कि इतनी गंदी फोटो लगा दो कि अब तो लोग ना पिए स्मोकिंग खत्म हो जाए क्योंकि अगर लेकिन अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट है मैं बोरेस करूंगा लेकिन काफी ज्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे पतंजलि केस के बारे में हम बात करते हैं पतंजलि केस में क्या हुआ रीज़न क्या है कि उन्होंने काफी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उन प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्क्लेमर थे ही नहीं हुँ. वो हर चीज़ को क्लेम कर रहे थे कि हम शुगर को ठीक कर देंगे हम थायरॉइड को ठीक कर देंगे हम हरनिया को ठीक कर देंगे कोई बीमारी उन्होंने छोड़ी नहीं जिसका उनके पास क्योर नहीं है क्योंकि दे बिलीव दैट आयुर्वेदा हैज अ अरेकल कि वो कुछ भी ठीक कर सकता है हमारे पास सब कुछ है जो जो कि आपका फार्मास्यूटिक मतलब एलोपैथी के पास नहीं है बेसिकली आयुर्वेदा के पास सब कुछ है वो क्लेम वो कर ही नहीं सकते थे नो कंपनी कैन क्लेम वंस यू आर आ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वंस यू आर कंपनीलिंग प्रोडक्ट सु पब्लिक एट लार्ज तो आपको उतना ही बोलना है उतना ही आप एडवर्टाइज कर सकते हो जितना आपको परमिशन दी गई है एफ एस एस आई एजेंसी है वो स्क्रूटनी कर रही है आपके डॉक्यूमेंट्स की आपकी सारे एजेंसीज आपको स्क्रूटनाइज कर रही है कि आप क्या एडवर्टाइज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल शुगर के बारे में आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि शुगर कम हो सकती है लॉ हाँ नहीं कर सकते आप कि शुगर कैसे कम हो जाएगी चश्मा कैसे हट जाएगा आपको पता है अगर एक्चुअल में ये एडवर्टाइजमेंट वैलिड हो जाए कि चश्मा हट सकता है तो कितनी ज़्यादा सारी कंपनीज इंडिया में आने को तैयार बैठी, बैठी है एडवर्टाइज करने को तैयार बैठी है मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है चल कैसे रहती है एडवर्टाइजमेंट से सारी तो सोशल मीडिया पर जो दस तरह के चैनल चीख चीख के कह रहे हैं कि चश्मा हटवा देंगे दस मिनट में दस दिन में डिपेंड करता है लोग घुमाते हैं चीज़ों को वो लोग को यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं कि हम दस दिन में चश्मा हटवा देंगे With operation, आप करवा लो इस operation से ऐसा होता है लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि लोगों का कि चश्मा छूटा 95 का वो 5 छोड़ देते हैं हाँ पे डिटोल हाँ डिटोल वही वाला सीन है कि वो पूरा कर ही नहीं सकते ना पतंजलि तो हर चीज क्लेम कर रहा था कि हमारा तो सब कुछ रिजल्ट फाइनल है चश्मा हटाने दृष्टि उसकी दवाई आती थी मेडिसिन आती थी कि अब डालो अब ठीक हो जाओगे मैंने हाँ यूज तो करा है आपकी चीखें निकली नहीं बहुत ज्यादा परेशान हुआ था मैं लेकिन सच में मेरे को, को कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी स्पेक्स है कोई फर्क नहीं पड़ा कोई चश्मा नहीं हटा उससे मैंने भी आया सिक्स मंथ कराया मतलब पाँच सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अगर यमराज होते तो यही करते हैं <laughs> यही करते हैं हमारे साथ पैसे दे के आप लोग उसको मतलब अपना ही यूज करवा रहे हो कुछ नहीं करवा रहे हो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है बेसिकली आई थिंक उसी चीज के लिए आई थिंक इनके ऑनर को पकड़ा हुआ है रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने डेली हेयरिंग से बुलाया जा रहा है मुझे लगता है कि हैवी कंपनसेशन फाइन पर लगना चाहिए बिकॉज लोगों के लाइफ के साथ आप खेल रहे थे यू आर प्लेइंग विद दी नॉट विद द इमोशन ऑफ द पीपल एट लार्ज यू आर प्लेइंग विद दी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इवन लोगों को, हाँ लोगों को ये भरोसा था कि आप ही सब कुछ कर रहे हो hmm. लोगों को एलोपैथी से तो भरोसे ही उठ गया था कि ये मेडिसिन काम भी करेगी नहीं करेगी लोग कह रहे हैं नहीं सरदार दौरा क्रोसिन दिखाएंगे ग्लोए का जूस पी लेंगे नहीं हो रहा था ठीक लोगों ने पी है लोगों को किसी का ठीक नहीं होगा बट वो फील कर रहे हैं हाँ हमने कुछ खाया तो ठीक हो रहा है अब हम भी देसी हो गए कुछ देसी नहीं हुए थे आप क्लेम करो इतना कि हाँ स्किन आपको धीरे धीरे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है आप क्लेम कर सकते हो कि इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी ग्लोए के जूस से कोई भी आंवला का जूस आप पी लो वो चीज़ अच्छी है बट आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हंड्रेड परसेंट आपका इलाज कर देगा शुगर ही खत्म कर देगा आपको छः महीने के अंदर आप इसी तरीकों को अपनाओ दैट वॉज मिसलीडिंग देट दैट इज़ द मेन रीजन दी आई थिंक द मेन पर्सन रिजन का स्टडी राइट नाउ ही इज फेसिंग थिंग्स इन दॉर्ट रूम और ही विल आई थिंक फेस नंबर ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर ऑल्सो अब वो रहेगा ये ये चीज़ें खत्म नहीं होने वाली उनके अगेंस्ट जब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर कहते हैं कि उनको डाटा या फिर फटकार लगाई जिस तरह से मीडिया में एक शब्द यूज करते हैं इससे फर्क पड़ता है कोर्ट्स को हाँ फर्क पड़ता है हमेशा जो हाई कोर्ट्स होता है रिप्रमेंड करते हैं जब वो ट्रायल कोर्ट्स को फॉर एग्जांपल एक ट्रायल कोर्ट के अंदर भी मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कभी भी आप कोशिश देखोगे तो बेल मैटर्स के अंदर सेशन कोर्ट खासकर एंटीस्पिटरी बिल में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है ट्रायल कोर्ट के पास पावर ही नहीं है एक एंटिसपेटरी बेल को डील करने की रीजन क्या था कि ट्रायल कोर्ट को एक तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है यंग जजे जा रहे हैं तेईस साल चौबीस साल की उम्र है आप जज बन गए हो आप कैसे डील करोगे किसी की कि 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 किसी ने इतना बड़ा ऑफेंस किया और आप उसको स्क्रूटनी करके कर, कर और अगर आप कर भी दोगे तो फिर भी यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है तो वो सारी पावर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है अब सेशन कोर्ट भी कैमरा बेल नहीं देता क्योंकि उसको डर होता है कि हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी मान लो चार एक्यूज एक केस के अंदर है चार लोगों ने पाँच लोगों ने डिकॉयटी कमिट करी है अब आपने बेल एप्लीकेशन लगाई दो लोगों के लिए की मतलब जाके लूटपाट की हाँ लूटपाट उसमें पांच लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम से कम जरूरी है अगर वो पांच से कम है तो वो रॉबरी है अच्छा ये भी है है तो डकैती तो तो इस हाँ। कम कम नहीं सपोज करो पांच लोगों ने डकैती कर दी कहीं कमिट करी मैंने उनमें से दो लोगों का केस पकड़ा और मैंने उसके लिए बेल लगा दी सेशन कोर्ट में दूसरे वकील साहब ने जो बेल अप्लीकेशन लगाई बाकी तीन लोगों ने लगा दी वो तीन मेरे पास नहीं है वो तीन एक्यूज जो बच्चे कुछ थे दो मेरे पास आ गए तीन एक दूसरे वकील साहब के पास गए उन्होंने सीधा हाई कोर्ट में बेल लगा दी अच्छा तो सेशन कोर्ट ना अब सेशन कोर्ट को ये पता है कि बाकी तीन एक्यूज जो है उन्होंने बेल हाई कोर्ट में लगा रखी है तो सेशन कोर्ट ऑर्डर करेगा ही नहीं उन्हें पता कैसे चलेगा पता तो चप, पता तो सब चलता है ना कि पुलिस बता देगी ना कि सर कस्टडी में है और तीन लोगों ने हाईकोर्ट में बेल लगा रखी है और हम भी तो कोर्ट को बताएंगे अच्छा वो पूछेंगे पांच एक्यूज तो बाकी कहें ठीक है तो बाकियों के भी अच्छा है। तो बेल सर ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग सेशन कोर्ट बेल देगा ही नहीं हमें स्टार्टिंग में जब तक तो वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं सुनेगा क्योंकि सेशन कोर्ट इधर इनफीरियर कोर्ट वो सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट उसको भी एक डर रहेगा कि अगर मैंने आज बेल दे दी और उन्होंने कल बेल दे दी हाई कोर्ट ने हम लोग है तो वो वेट करेगा हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट की सुपीरियर कोर्ट की एक रिस्पेक्ट है कि वो जो डिसीजन करेगा उसके बाद हम सोचेंगे क्या बताओ उसके बेल देने के बाद भी वो बेल ना दे एक इसे डर कह रहे हो एक रिस्पेक्ट कह लो एक एक्सपीरियंस कह लो कि चांसेस है कि अगर मैं बेल ग्रांट कर दूंगा जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार इसलिए ऐसा होता है रेप्रमांड कोर्ट क्यों करती है हाई कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट्स को क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स कुछ भी मर्जी चला लेती है कोई भी ऑर्डर पास कर देती है फिर जब हाई कोर्ट जाते हो ना तो आपको रेमेडी मिल जाती है काफी लोगों के साथ इनजस्टिस इसलिए होता है वो हाई हाईकोर्ट तो जा ही नहीं पाते वो सोचते हैं हम हार गए चलो ठीक है खत्म हो गया घर बैठ जाते हैं लेकिन हायर कोर्ट्स में ही आपको मेन रेमेडीज़ मिलते हैं क्योंकि हाई कोर्ट को कोई डर दबाव है ही नहीं उसको पता भी मेरे पास आया ट्रायल कोर्ट्स की पावर थी नहीं तो अब मैं इसको सुनूंगा आराम से दे आर मोर एक्सपीरियंस जजेस वो आपको अगर और अगर वहाँ से आप हार हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे सुप्रीम कोर्ट के बातों तो रास्ता है ही नहीं लेकिन 99% नाइन परसेंट केसेज में हाई कोर्ट आपको एक्चुअल में रेमेडी दे देता दे है, है। रिलीफ दे देता है आपको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्यों कहा कि हमें क्वालिटी ऑफ लॉ लॉयर्स इंप्रूव करने की जरूरत है क्वालिटी ऑफ लॉयर्स इंप्रूव करने की जरूरत एक्चुअल में भी है रीज़न बताता हूँ जैसे हम लोग जब लॉ करके निकलते हैं ना जितने भी मैं आई थिंक मैं हर लॉयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जब भी आप लॉ करते हो तो बाहर कुछ है ही नहीं आपके लिए ना कोई सिखाने वाला है आपको अगर आपके बाप दादा वकील है तो समझ आ रहा है आप सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर हो आपने घर में ही सब कुछ सीखा है तो समझ आता है लेकिन बाहर कोई प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे सीखोगे किसी सीनियर के यहाँ पे जूनियरशिप करके उसके चैम्बर में जो वो बोलेगा वो मानना पड़ेगा या जितनी भी लॉ फॉर्म्स है वहाँ पे काम करके दो लॉ फॉर्म्स से वो वो आपको वो चीज़ें नहीं सिखाते जो आपको सीखनी है कई बार जैसे मैं अगर जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये मुझे लॉ फॉर्म में कभी सिखाया नहीं जाता ये मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तब मैं जाकर सीखा कॉपोरेट में तो आपको कॉपरेट केसेस के बारे में बताया जाएगा ना तो आपको ये कोई सिखा नहीं रहा कि बाहर क्या चल रहा है इसलिए काफ़ी लॉयर्स तो लॉ करने के बाद भी भूखे मर रहे हैं काम ही नहीं काफ़ियों के पास कई लोग दुकानें खोल के बैठे कोई लोग बिजनेस स्टार्टअप्स खोल के बैठे कुछ लोग कॉमेडी कर रहे हैं कुछ कॉमेडीज कर रहे हैं द मेन रीजन लॉयर्स की क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव नहीं है क्योंकि लॉयर्स को पता नहीं है काफ़ी लगे पहली बात आप समझो कि इतने सारे कॉलेज इंडिया में लोग कहीं से भी लॉ कर लेते हैं कई लोग तो सच में डिग्री लेके बैठे हुए मुझे तो लाइक दो तीन ही पता थे एन है और सी एल सी डी लेकिन दुनिया भर के कॉलेज सब इंडिया में खुले हुए हैं डिग्रियाँ है, लोग सच बताओ ये लोगों को पता है ये कोई फैक्ट है ऐसा ये लोग अरेंज भी कर देते हैं लोग कहीं से भी लॉ दूर से भी कर लेते हैं देहरादून से कर लिया यूपी से कर लिया आगरा से बिहार से डिग्री ले ली और वकील बन गए ऑनलाइन लॉ कर सकते हैं ऑनलाइन भी नहीं ऑनलाइन तक मुझे नहीं पता आई हैव नॉट अवेयर अबाउट इट सोशल मीडिया पे लॉयर्स स्पेशली जो अंडरग्राइड हैं जो जस्ट फ्रेशली आउट ऑफ लॉ कॉलेज हैं काफ़ी रील्स बना रहे हैं एट दे आर सॉर्ट ऑफ एट टाइम्स गोइंग द रोंग वे विदाउट द फियर कि उन पर भी कोई केस कर सकता है कि यार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो यार गलत चीज़ बता रहे हो लॉ के बारे में सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स के लिए या सोशल फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ बढ़ाने के लिए डू यू हाउ डू यू सी दिस दिस स्पेस कि कितना खतरनाक और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है देखो अच्छा तो नहीं है बेसिकली क्या एक, एक कहावत है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना और कोई भी चीज़ ना पता होना दोनों ही गलत है लैक ऑफ नॉलेज और एक्सेसिव नॉलेज दोनों ही गलत है अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कहाँ हो रही है कि जो लोग एक्चुअल में ये चीज़ें फैला रहे हैं जो भी लॉयर्स आप जिस कम्युनिटी की बात करो जो यंग लॉयर्स है जो डिफरेंट स्टेट्स में आ, ये वीडियो शूट करके फैला रहे उनको भी नहीं पता बेसिकली कई बार कि लॉ क्या बोल रहा है उन्होंने भी आई थिंक कहीं से कंटेंट लिया और आगे डिलीवर कर दिया और या फिर देर आर चांसेस कि उनके हिसाब से वही इंटरप्रिटेशन है फिर उन्होंने कुछ थोड़ा मसाला डाला कि वीडियो वायरल हो जाएगी क्योंकि कई बार पब्लिक को भी कुछ ऐसा चाहिए फॉर एग्जांपल मैंने कितनी वीडियोस बनाई है मेरी आई थिंक नाइन टेन वीडियोस ये जो फाइव मिलियन प्लस व्यूज ले गई है हुँ. बाकी नॉर्मल स्टैटिक मेरा चैनल चल रहा है काफी समय से फॉलोअर्स नहीं बढ़ते मुझे फर्क पड़ता नहीं एक्चुअली क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से एम था कि इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज जो भी मेरे दिमाग में आया जो भी मैंने केस डील करा मैंने उसको इन्फॉर्मेशन के थ्रू शेयर कर दिया इतना ही मेरा काम रहा हमेशा नेवर लाइक like a कॉन्टेंट क्रिएटर इट वॉज लाइक कि इन कार में शूट करता हूँ सारी चीज़ें कभी कोई स्टूडियो नहीं रखा कभी किसी कोर्ट के बाहर खड़ा होकर मैंने वो एक्सप्रेशनस नहीं दिए कि इस तरीके से वीडियो को बनना चाहिए कोई नीला पर्दा लगा के कोई वीडियो नहीं बनाई कभी बस हमेशा ये था कि हाँ जितना जो चीज़ मैंने किसी से डील करी जो चीज़ मेरे माइंड में आई और ये लॉ पब्लिक के लिए वेलफेयर में जा सकता डिलीवर कर दिया अब जो पब्लिक जो लोग कर रहे हैं काम और जो लोग सुन रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये नॉलेज सही है कि गलत है तो पहले तो उनको फिगर आउट करना है सही है गलत है और अगर वो गलत भी है तो लोग लॉयर के खिलाफ केस करने के लिए सोचेंगे क्या क्यारे कंटेंट के ऊपर मैं इस लॉयर के खिलाफ केस करूँगा शायद ही करेगा कोई उसको डर भी होगा कि किसी लॉयर के ख़िलाफ़ मैं केस करूँ लेकिन हाँ अगर ये चीज़ें स्प्रेड हो रही है आप कह रहे हो तो वो गलत है क्योंकि गलत नॉलेज किसी के दिमाग में आ रही है तो वो कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर किसी लॉयर ने मुझे बताया इतना हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाता है तो मैंने कहा आप फिर उस लॉयर से दोबारा बात कर लो क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती ये चीज़ जितना मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो किसी किसी ना किसी ग्राउंड रियलिटी को ग्राउंड रियलिटी को देख के वो ये बात बोल रहे हैं तो आप उनके पास चले जाओ मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस केस में हुँ. मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसे पहले बता देता हूँ कि आपको जेल भी होगी तो मैं उसको बताऊँगा लेकिन जेल होने से पहले मैं क्या क्या चीज़ें लेके चलूँगा आपके लिए हुँ. ये रास्ता मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो अब कोई लॉयर होगा वो कहेगा नहीं जेल हो नहीं सकती गारंटी है गारंटी आप नहीं दे सकते ना किसी को कि भैया हाँ हो जाएगा काम आपका पता लाओ जेली चला गया तिहाड़ी पहुँच गया तो ये इसे मिसलीड करना भी कहते हैं आई थिंक लोग वीडियोस के थ्रू भी ये कर रहे हैं सबसे ज्यादा वीडियोस के थ्रू हो रहा है क्योंकि वीडियोस एक लार्जर लार्जर ऑडियंस के पास जाती है अब जब ऑडियंस उसको सुन रही है तो वो भरोसा कर रही है कि जब एक वकील काला कोट पहन के कुछ बोल रहा था वो सच ही होगा यार ये क्यों बोलेगा और कई बार लोग मेंशन कर देते हैं जैसे कि मैं जब जजमेंट मेंशन करता हूं तो मेरे पास उसके पूरे पेजेस होते हैं जो मैं लगाता हूं उसमें जजमेंट का नाम डिलीवर करता हूं कई बार लोग बता कैसे वीडियो बना देंगे कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक बात बोली कि लड़की ने अगर ससुर का लिए खाना नहीं बनाया तो वह एक है ये बोला <laughs> उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई है जी अब इस वीडियो के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि लॉयर के खिलाफ आप केस कर सकते हो क्योंकि उसने घुमाया बात को कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला होगा किसी केस में केस चलेगा आप प्रूव करते रह जाओगे अरे किस केस में बोला था सर आप तो याद नहीं मेरे को लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला था मैंने जजमेंट पढ़ी थी और मैंने उस पर वीडियो बना दी थी अब जो सुनने वाला है उसने भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी वो जाके चेक करे कि सच में कर्नाटक हाईकोर्ट की कोई जजमेंट थी कि नहीं थी ऐसी और बस वो सुन के लोग ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं कमेंट्स चलते हैं और रील्स वायरल वायरल हो जाती है यहाँ पे उनको व्यूज़ मिल जाते हैं कि कुछ भी बना के डाल दो चल जाएगा तो सोसाइटी के लिए गलत है बट इसको रोका भी नहीं जा सकता आई थिंक पब्लिक को थोड़ा सा कॉशियस होना है चीज़ों को समझने के लिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और हर बार वो ऐसी बातें बोल रहा है तो ये तो पागल ही बना रहा है वो हमारा इसको अनसब्सक्राइब करो और दूसरे लॉयर को देखना शुरू करते या फिर मत देखो आई थिंक लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आर्टिकल्स पढ़ लो उसमें इन्फॉर्मेशन फिर भी रेलिवेंट आती है उस पर केस लॉज भी लिखे होते हैं जजमेंट्स भी लिखे होते हैं ऑथर के नाम तक होते हैं तो वो पढ़ लो मिसलीड मत करो अपने आप को और ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पब्लिक में वीडियो को शेयर करने का और कुछ भी बोल दो लोग मान जाते हैं तो लोगों का एक अलग सा ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर तो जो मैं भी मैं मैं भी तो, ये बात मानता हूँ ये चीज़ आई थिंक स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग नॉलेज इज डिफरेंट इज इज एक्चुअली समथिंग लाइक यू आर डूइंग यू आर कमिटिंग अ क्राइम और इसके लिए पनिशमेंट भी नहीं है बेसिकली क्योंकि ये वही सोसाइटी कर रही है जिस सोसाइटी को सपोर्ट करना है पब्लिक hmm. को hmm. तो यू कैंट डू एनी सीरियसली बट पब्लिक को थोड़ा सा पर ध्यान रखना है कि हम किसको सुन रहे हैं जब बार बार चीज़ें होती है तो आपको पता चल जाता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन तो ये पाकल ही बना रहे है इतना नहीं होता हर वीडियो इतनी एंटरटेनिंग कैसे है हर वीडियो में इतना मज़ा क्यों आ रहा है लाइक मैं चैनल्स के नाम दे लेकिन काफ़ी चैनल है जिसमें वो वीडियोज़ काफ़ी वायरल होते हैं कि मैं पुलिस ने आपको रोका जिन्हें मैं आपको लाइसेंस दिखा नहीं सकता मैं आपको लाइसेंस दूर से दिखाऊंगा डिजी लॉकर में फिर पुलिस वाला उसको मार रहा होता है इस तरह के भी कंटेंट क्रिएटर जिनके कहते हैं मिलियन फॉलोअर्स है सब्सक्राइबर्स है लेकिन जब रियल लाइफ में आप जाओगे ना तो लाइसेंस देना पड़ जाता है डिजी तो, लॉकर से भी दोगे तो गाड़ी में बाबू बुन के नहीं देना आपको बाहर उतरना है सर ये लीजिए आपने मांगा है गाड़ी को साइड में लगाना है वरना कर रहे हो गाड़ी मार के स्टाइल से मारोगे और उसको दिखाओगे तो मारेगी थप्पड़ आपको पहले क्योंकि तो पब्लिक सर्वेंट के सामने खड़ा हो यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट यू आर मैंने आपको रोका है पब्लिक सर्वेंट में क्या तमीज आई तो आप उसका रिस्पेक्ट तो दो पुलिस को कॉपरेट करो उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो उनको दिखा दो आपको छोड़ देंगे ना लेकिन अगर आप वो वीडियोज देख के कोई परफॉर्मेंस देने निकलोगे तो तो फिर जेल पक्की है दैट इज समथिंग स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू दी पब्लिक एट लार्ज और लोग उस पर भरोसा कर देते हैं ये कॉन्टेंट क्रिएटर्स को आपको नहीं फॉलो करना यहाँ मसाला ज्यादा मिल रहा है जहाँ मसाला सच में ज्यादा मिल रहा है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही वो चीज़ आपके लिए हानिकार रखी है ठीक है क्रिमिनल केसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल्स कितने क्रिएटिव होते हैं सबसे ज़्यादा मेरा मानना ये है मैंने एक पता नहीं बहुत पहले की बात है कहीं लॉयर्स के साथ मीटिंग में था तो मेरा मेरा ये कहना था कि आई थिंक क्रिमिनल्स को ये मुझे नहीं पता कितना ऑफेंसिव स्टेटमेंट है लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर हैकर्स होते हैं बहुत साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर फिशिंग दुनिया भर के क्राइम्स चल रहे हैं पैसा ट्रांसफर करोड़ों का हो जाता है तो मेरा मानना ये कि इन लोगों को तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रख लेना चाहिए क्योंकि दे आर एक्चुअली दैट इंटेलिजेंट कि वो गवर्नमेंट एजेंसीज को पागल बना के निकल रहे हैं पुलिस के साथ खेल रहे हैं। तो उनको दिमाग कितना तेज़ होगा वकील तो कोई नहीं बताता कई बार कि मेरे मेरे क्लाइंट ने क्राइम कराए कि नहीं कराए तो अगर ये इतने इंटेलिजेंट तो इनको तो आप नौकरी दे दो ये शायद इनको कुछ मिला नहीं है लाइफ में इसलिए ये लोग ये सब काम कर रहे हैं बट दे आर एक्चुअली शार्प माइंडेड तो वो क्रिएटिव तो बहुत होते हैं क्राइम करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए आपको पहला तो मोटिवेशन चाहिए कोई कोई ड्रिवन इफेक्ट होना चाहिए कि जिस वजह से आप क्राइम कर रहे हो अब एक इंसान क्राइम कर रहा है मान लो भूख के लिए उसने किसी को मारा रोटी छीन ली ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है आप मैं क्राइम को डिफ्रेंशिएट करूंगा किस तरह का क्राइम है लाइक हर्षद मेहता स्कैम वो क्राइम था आपने पूरी इकोनमी हिला दी मार्केट को हिला दिया तो उसके पास कितना माइंड था उन चीज़ों को स्पॉन्सर करने का चीज़ों को चलाने का तो वर्दी पीपल जिनको रखना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसे डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है कि माइंडेड है गलत डायरेक्शन उनको मिल रही है बस बिकॉज ऑफ मनी बिकॉज ऑफ आई थिंक फेम वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन क्रिएटिविटी कितनी थी उस आदमी की पूरी इकॉनमी हिला दी कई लोगों के लो लिए वो भगवान था कई लोगों के लो लिए वो विलन था लास्ट में लेकिन दैट दैट इंसिडेंट एक्चुअली शोक द नेशन बट रियलिटी इज कि क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा रही होगी hmm. तो क्रिमिनल्स की क्रिएटिव क्रिएटिविटी बहुत होती है वो इवन क्राइम करने के बाद भी कोर्ट में बोलते रहते हैं हमने क्राइम नहीं करा आई डो नॉट प्लीड गिल्टी कभी भी वो नहीं कहेंगे जी मैंने क्राइम करा है कोई कोर्ट में कमिट एक्सेप्ट नहीं करता सर मैंने किसी का मर्डर आपने कोई ऐसा केस देखा है बहुत केस देखा अरे ऐसे मतलब कि मतलब क्लाइंट आपको हर मोमेंट आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है और जब आप कोर्ट जा रहे हो तो आपको कुछ नया पता चल रहा है मेरे को क्लाइंट ने बताया कि सर मैं उस दिन वहाँ नहीं था मेरा पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है आप टेंशन मतलब बेल लगा दो मैंने उसी के हिसाब से उसकी बातें सुन के बेल अप्प्लीकेशन लगाई जब कोर्ट जा रहा हूँ तो आई यू साहब खड़े अपोजिशन में और आईयू आई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो क्योंकि जब बिल होती है तो पहला तो स्टेट को समन होता है हाँ। एक मेरी तरफ से होता, एक होते एक जज होते हैं और एक प्रोसिक्यूशन रहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो आई साहब आकर कह रहे हैं सर हमारे पास तो उसकी कॉल रिकॉर्ड है हाँ। ये तो वहीं पर था एन के अंदर रात को मैंने कहा ऐसा किया फिर मैंने जब बाबिक मुझे टाइम दो मैं उससे पूछ रहा हूँ मैं कहा तेरी कॉल रिकॉर्ड है आई ओ साहब के पास तुझे झूठ बोला मेरे से कह रहा सर सॉरी मैं बताना भूल गया था मैं गया तो था लेकिन एक घंटे के लिए ही गया था तो वो मेरे को भी झूठ बोल रहा है उसकी क्रिएटिविटी लेवल देखो वो इसलिए नहीं बता रहा उसको लग रहा है वो सब वकील को भी बता दिया तो शायद ये मेरा अगेंस्ट ना काम कर दे वो मेरे को भी चेक कर रहा है शायद वो मेरे पे भी भरोसा नहीं कर रहा है अभी जब तो उसको बेल ही मिल रही है या वो लग रहा है सब कुछ बता दूंगा तो शायद बेल ना मिले तो वो चीज़ें छुपा रहा है कि वकील इसी प्रोग्रेस में केस को आगे लेके जाए तो क्राइम क्राइम क्रिमिनल्स की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है मैंने तो फील करा है एंड इट्स अबाउट ट्रस्टिंग एक बॉन्ड होता है वकील और का, एक एक्यूज का जो एक क्लाइंट का अगर वो बॉन्ड अच्छा है ट्रस्ट है दोनों के अंदर फेथ है एक दूसरे को लेके तब तो वो चीज़ अच्छी चल सही चलती है आगे तक आपका केस अच्छा चलता है क्लाइंट के साथ आपका एक रिलेशन अच्छा मेंटेन होता है अदरवाइज़ नॉट कुछ टाइम पहले एक केस शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ कि एक इंसान ने एक कंप्लेनेंट ने केस डाला था वकील पर कंज्यूमर कोर्ट में कि क्योंकि मैंने इनसे सर्विसेज ली और ये मुझे केस नहीं जितवा पाए तो मैं इन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर रहा हूँ क्योंकि ही कुड नॉट प्रोवाइड मी द सर्विसेज आई वॉन्टेड हाँ ऐसा केस मैंने भी सुना था मेरे को उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है बट हाँ जितना मुझे याद है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालूंगा अगर इस तरह का केस होता भी है जी। तो देखो लॉयर की जो सर्विस होती है ना कभी लॉयर गारंटी नहीं ले सकता जो लोग ले रहे हैं वो पता नहीं कैसे गारंटी लेके काम करें लॉयर की सर्विसेज कभी गारंटी में आती नहीं है मैं किसी को गारंटी दे सकता कि ऐसा होगा जज बैठा है जज किस ले अगर मैं ही गारंटी दे रहा हूं तो मैं फैसला भी सुना देता हूं मैं लिख देता हूँ हाँ भाई साइन मार दिया आप जाओ घर निकलो काम जज का है देर इज अ अज हुई सिटिंग इन द कोर्ट रूम ही इज अ डिसाइडिंग फैक्टर मेरा काम है आर्ग्यूमेंट्स करना लाइक like, मैं अपने हर क्लाइंट को ये बोलता हूं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे विल ट्राई आर बेस्ट टू वर्क विद यू और फॉर फॉर यू ऑल्सो लेकिन सही होगा नहीं होगा उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता देर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी यू मे विन द केस और यू मे लूज द केस वील अप्रोच दायर अथॉरिटीज हाई कोर्ट इज देर सुप्रीम कोर्ट इज देर लेकिन वील ट्राई आर बेस्ट वी कैनॉट गारंटी यू एनी थिंग वो कह रहे इतने तो गारंटी में कोई गारंटी नहीं है दथिंग नथिंग लाइक गारंटी अब जो उसने केस डाला भी है मान लो इस तरह का वो लॉयर से कुछ ले नहीं सकता है लॉयर वॉज एक्चुअली रेंडरिंग द सर्विसेज और जब आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आप गारंटी कुछ कर नहीं सकते इट इज अ मैटर ऑफ अ कोर्ट वो सर्विसेज जो कि मैंने डिलीवर करी एक समय में अपने क्लाइंट के लिए मैं उसे इंश्योर कर ही नहीं सकता था डिस को गारंटी का और ना वो ये प्रूव कर सकता कि वकील साहब ने कोई गारंटी दी थी पहली बात क्योंकि लॉयर और वकील और क्लाइंट का प्रिवलेज कम्युनिकेशन एक होता है हुँ. कि अगर मेरे को क्लाइंट ने कुछ बोला तो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता अगर वकील ने मुझे कुछ बोला तो मैं उसे आगे शेयर नहीं कर सकता हुँ. तो मेरी जो सर्विसेज है वो एक प्रोफेशन के अंडर आ रही है जो और वो भी प्रिवलेज कम्युनिकेशन में आप उसको कैसे कोर्ट लेके जा सकते हो और मेरे खिलाफ़ केस डाल सकते हो नहीं ये केस ही नहीं है आई डो नॉट नो बटन इन दैस इन योर एक्सपीरियंट आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं जजेस के साथ hmm. सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा रहा है जजेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यह डिपेंड करता है मेरे लिए हर केस इंटरेस्टिंग होता है मतलब ये मेरा आई थिंक इमोशनल प्रोस्पेक्ट भी होता है हर क्लाइंट के लिए और hmm. मैंने आई थिंक मैं दो तीन केसेस बताऊंगा आपको ऐसे जिसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगा वो काफ़ी एंगेजिंग था बट शायद वो और के लिए ना हो देर वॉज ए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस जो मेरे पास आया था बिजली चोरी का केस hmm. मेरी जो क्लाइंट थी वो काफ़ी मतलब बुरे हालात में रह रहे थे मतलब काफ़ी शी वॉज वेरी पुअर इंडिजेंट उनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं थे बट वो किसी एन के थ्रू मेरे पास आए कि ही विल ओनली टेक अप योर केस पाँच या छः केस उनके ऊपर ऑलरेडी हो रखे थे बिजली चोरी के तो उनका जो अमाउंट था वो बारह तेरह लाख रुपए बी ने बना रखा था उनके अगेंस्ट में तो जब मैं फर्स्ट डे सेशन कोर्ट में गया था उनके केस के लिए उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू थे क्योंकि वो इवेट कर रहे थे प्रोसेस ऑफ लॉ को तो क्योंकि प्रोसेस का वो इवेट इसलिए कर रहे थे उनको डर था कि जेल ना हो जाए अभी गरीब आदमी डरता है तो जब मैंने उनका केस लिया था तो उससे पहले बस मैंने एक चीज़ पूछी थी उनसे कि क्या आपने कभी मीटर क्यों नहीं लगवाया जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी uh, आप देश में रह रहे हो आपको मीटर लगवाना चाहिए था तो उन्होंने कहा हमने चालीस हज़ार रुपये दिए थे डिपार्टमेंट को लेकिन उन्होंने मीटर लगाया नहीं बट वट दे डिड इज़ कि पैसे लेने के बाद भी वो हम पे केस पे केस करते चले गए hmm. तो मेरे पास पाँच छः केस मेरे ऊपर हो गए तो मैं सेशन कोर्ट में था उस दिन तो मेरे को उस समय इलेक्ट्रिसिटी के केसेस का के इतना आइडिया था नहीं बट इट वॉज अ नॉर्मल केस फॉर मी क्योंकि आप जो स्टूडेंस पर जब जाते हो तो आप क्लाइंट के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते आप सोसाइटर इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो कि समथिंग गोइंग इज गोइंग बैड इन दिस सोसाइटी तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में डलेगा तो माई आर्ग्यूमेंट्स वर एड्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर बेस ओलनी तो जज साहब ने पूछा कि आ, सर आपके क्लाइंट का तो छः सात केस हो रखे इन पर और नॉन विलेबल वॉरेंट है या तो पैसे दे दो या जेल भेज देते दैट डे आई सबमिटेड कि सर इन इन्होंने चोरी करी क्योंकि चोरी का केस है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी थर्फ्ट का केस है तो ये जो थर्फ्ट का केस बनाया गया है इसका पर्पज़ क्या है मतलब क्या मेरे क्लाइंट ने सच में चोरी करी है या फिर वो एलिगेशन उसके ऊपर फॉल्स लगाए गए कह रहे फॉल्स तो है नहीं सब कुछ सब सब कुछ रिकॉर्डेड है एवरी थिंग हैज अ सी डी सबकी सी डी बनी हुई है आपका क्लाइंट दिख रहा है वहाँ से तार डालते हुए खंबे में तार डाली हुई है और वो इलीगली चोरी कर रहा है बिजली की और सारे सबूत लगे हुए मैं क्या जस्सा नहीं सबूत एक चीज़ का और लगा हुआ है कि मैंने चालीस हजार रुपये बिजली डिपार्टमेंट को दिए थे तो मेरे घर में मीटर क्यों नहीं लगाया गया जब फर्स्ट चोरी हुई है उस तारीख को मेरी पेमेंट है तो अगर उसी दिन मीटर लग जाता मीटर का प्राइस क्या है मैंने कोर्ट से पूछा कोर्ट क्या अरे रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं कहा नहीं रेलेवेंट क्वेश्चन है आप मुझे बताओ कि एक मीटर का प्राइस कितना है पाँच हज़ार दस हज़ार दो हज़ार ढाई हजार कुछ तो होगा मैंने आपको चालीस हजार दिए फिर बी एस सी एस के वकील आर्गूमेंट करने स्टार्ट हो गए चार पांच वकील थे वहाँ पर तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करी कि सर इसके अंदर हमने जो पेमेंट दी है इन्होंने चालीस हजार रुपये दिए भी है वो इनका पहला जो इन्होंने इनके ऊपर केस हुआ था वन लाख रुपीस का हमने इन पर केस डाला था तो उसकी पेमेंट थी वो मैं कहा सर ये तो कोई प्रूफ कर नहीं सकता ना वो किसकी पेमेंट थी कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट तो है नहीं हम ये कह रहे हैं हमने पेमेंट दी थी आपको मीटर लगाने के लिए तो कह रहे हम इसलिए मीटर लगा रहे थे जब तक आप पूरी पेमेंट दोगे मीटर के लगाए मैं सर ये लॉ कहाँ से आया इसका मतलब ये है कि मैं बिजली चोरी अगर मैं पैसे धीरे धीरे दे रहा हूँ तो आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी दोगे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्लियर लॉ है कि बिजली और पानी मेरा इस देश में फंडामेंटल राइट है ओके। मैं उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता तो अदरवाइज ऑल्सो आपको मीटर लगाना कंपलसरी है मेरे घर पे लोगों ने स्लम्स के अंदर सारी कांग्रेस ने लगवाए थे मीटर याद होगा आपको जब टाइम था तो हर स्लम के अंदर कांग्रेस पार्टी उस समय आई थिंक रूलिंग पार्टी थी तो हर स्लम में हर घर के अंदर इवन हर जगह पर मीटर इंस्टॉल किए गए थे क्यों किए गए थे इवन पानी तक के मीटर्स के लिए आज भी गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है फंडामेंटल राइट आप इससे मुझे डिप्राइव नहीं कर सकते आप बिल चार्ज कर लो बिल के खिलाफ आप केस डाल दो रिकवरी का लेकिन मीटर ना लगाओ पैसे लेके भी तो वो तो इलीगल है ना तो मेरे कहा हमारे एक लहन ने चोरी इसलिए करी है क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमें मजबूर करा है वी आर पेइंग द थिंग्स हम उससे पैसा दे रहे हैं तो दैट वाज अ मासिव आर्गुमेंट्स आई थिंक उसमें काफी टाइम हमारा चला गया था और उस दिन के बाद जो जज साहब थे दे स्टार्टेड फेवरिंग एस क्या आपका जो आपके खिलाफ जो बाकी पाँच केस भी डले वो गलत बने हैं क्योंकि अगर उसी दिन मीटर लग जाता तो ये बारह लाख का क्लेम तो आप पर नहीं बनता मैक्सिमम डेढ़ लाख का बनता अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे बिजली का बिल कितना आना है इतना नहीं आना क्योंकि वो लोग अलग ही तरीके से चार्ज करते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी केस बनता है तो वो आपका हर सॉकेट चेक करके जाएंगे चाहे वो सॉकेट वर्किंग है या नहीं है उनको फर्क नहीं पड़ता वो देखेंगे ए सी लगा है ए चल रहा नहीं चल रहा उसमें चलाएंगे उसमें से धूल भी आ रही है आप यूज नहीं कर रहे थे बट उसकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपने हिसाब से लिखे उसको आगे लगा देंगे और दिखा देंगे छह महीने से लगा हुआ आठ महीने से लगा तो आपको एडर्स जोड़ देंगे उसके साथ तो वो सोचो कितना बड़ा बिल बनेगा लोगों तो पर पचास पचास लाख के भी बिल बने हुए थे आई थिंक साइकिल पंचर वालों पर भी बिल आज भी केस चल रहे से तो वो हमने इवेंचुअली वो सेटल्ड हो गया क्योंकि जज फेवरिंग अस कोर्ट स्टार्टेड फेवरिंग अस की ठीक है ये केस इस वजह से हुए तो देर आर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो इस तरह से मेरी कई बार गई है जिसमें मेरे को नॉलेज नहीं थी किसी केस लॉ पे भी इवन आई डिड नॉट स्टडी एनी थिंग एट ऑल बट मैं सिर्फ उसका जुर्स प्रूडेंस को लेकर गया कोर्ट में कई बार ऐसा होता है ना आप बाकी आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिपेंड करती है मान लो मुझे कोई लॉ नहीं पता है लेकिन मुझे ये पता है सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए कोर्ट क्या सुनना चाहती है हुँ. और कोर्ट को क्या चाहिए जी उसको हर वक्त लिखे हुए सेक्शन नहीं पता सेक्शन तो सारे जजेस को पता है भैया हर जज को पता है कि आई में कितने पाँच सौ ग्यारह सेक्शन है उसको पाँच सौ ग्यारह डटे हुए हैं सी में सारे प्रोविजन उसने देखे वो आपसे पढ़ लिख के ज़्यादा ही बैठा होगा जिस पोजिशन में जस्सा बैठे तो उनको आपसे कुछ अलग फैक्टर चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स में तो समटाइम इट इज़ नॉट अबाउट कि आपके आर्ग्यूमेंट्स किस चीज़ पे बेस्ड जाए अगर आप जुरू स्प्रूडेंट्स किसी लॉ का समझ जाओ किसी भी पॉइंट पे चाहे वो एक क्राइम सीन क्यों ना हो तो आप उस केस को निकाल सकते हो तो मेरी मोस्टली आर्ग्यूमेंट्स हमेशा किसी ना किसी केस के जुर स्प्रोडेंट्स पर रही है बीटा बीटा स्मॉल केस ऑल्सो लॉ तो मुझे पढ़ाई मैंने पढ़ रखा है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ पहले मैं सोचता हूँ उस केस का जुरुस प्रूडेंस निकालूँ कि क्यों ये केस ऐसा हुआ हुँ. क्या मोटिवेशन थे किसी के कि किसी क्राइम को करने के लिए अब सपोज़ करो मुझे आप पे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आपने मुझे मारा तो मेरी मोटिवेशन क्या थी कि मुझे गुस्सा किस बात पे आया और मेरा इतना इतना मैं डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे आया कि मैंने आप हाथ तक तो उठा दिया हुँ. तो क्राइम का बेस क्या था तो वो अगर आपने कोर्ट को समझा दिया तो शायद आप प्राइवेट डिफेंस का राइट ले जाओ यू नेवर नो इसमें आपको आईपीसी पी के लॉस को इंटरप्रेट करने की कोर्ट को जरूरत ही नहीं है आपको इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आप बस बता दो वट वॉज द जिस्ट ऑफ द केस इसके जुरुस प्रोडेंस लॉ का ही है और आई वॉज इन प्राइवेट डिफेंस मैंने मारा अपने डिफेंस के लिए तो लॉ इज़ वेरी सिंपल अगर आप उसको सिंपल लेके चल रहे हो उससे आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो वो कॉम्प्लिकेट होता ही चला जाए इवन फॉर द पब्लिक इवन फॉर द कोर्ट हमेशा मैंने कितनी बार केसेस में देखा है कि एक लॉयर साहब कोर्ट में खड़े हैं आई वॉज इन द हाई कोर्ट एक लॉयर साहब लॉयर ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करी आई थिंक एक घंटे तक आर्ग्यमेंट चले होंगे ही वेरी वेल विद विद द द द एंड केस रिकॉर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो अपोजिट काउंसिल थे वो आई थिंक मिनट बोले ही नॉट वेल विद द लैंग्वेज ऑल्सो वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे और दूसरा उनका जो केस स्टडी था वो इतना ज्यादा था नहीं बट ही वॉन्ट द केस क्योंकि जस् साहब ने फाइल पड़ी हुई थी उनको मतलब नहीं था कि आप एक घंटा आर्ग्यूमेंट्स hmm. करो hmm. एक घंटा कुछ बोल के जाओ कोर्ट में वो रेलिवेंट पोर्शन आपसे पूछना चाह रहे जी बताओ आपको रिलीफ क्या चाहिए मैंने फाइल पढ़ी हुई है तो इस तरह से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स करिए और मेरा मेरा हमेशा मानना है कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स जितनी अच्छी हो जितनी बुरी हो हुँ. अगर आप जज को कन्वे कर पा रहे हो कोर्ट को कन्वे कर पा रहे हो बेसिकली कि आपको रिलीफ क्या चाहिए कोर्ट से और किसी लॉ पे आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आपको उसका जुरुस पता है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का जुरुस क्या है पब्लिक वेलफेयर सोशलिज्म सेकुलरिज्म चीज उसको लिखी हुई है उसको आपको समझ लिया तो आपने सारे लॉस को समझ लिया अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है ना तो उसका आईपीसी अच्छा है उसको सीआरपीसी अच्छा उसको, अच्छा, उसको क्रिमिनल लॉ के बारे में पता है उसको प्रॉपर्टी लॉस के बारे में पता है उसको मैटरीमिनल लॉस के बारे में पता है उसको मैरिज के सेंटिटी के बारे में पता है क्योंकि वो उसका जोरिसप्रूडेंस ले गया लाइक आई जस्ट आई आई थिंक आई स्टेटेड कि शादी को तोड़ना इतना आसान है आसान है मतलब शादी करना तो आसान है उसको तोड़ना मुश्किल है डावोर्स देना टफ है शादी करना तो एक ही दिन का खेल है क्यों इतना मुश्किल बनाया हुआ है उसका जोरेस्टूडेंस आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया बिलीव्स इन सेंकटिटी ऑफ मैरिज हिंदू धर्म बेसिकली हिंदू रिलीजन में सेंकटिटी ऑफ मैरिज को माना जाता है कि आप शादी ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हिंदू मैरिज एक्ट को उस हिसाब से इन दी गई है कि अगर इतना ईजी हो गया तो हर कपल में झगड़ा होगा वो शायद डायवर्स अगले दिन ही ले लेगा कि आप डाइवोर्स में सैकड़ों निकलो यहाँ से एलिमन भी दे देगा कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा पैसे देने से भी लोग पैसे दे भी छोड़ देंगे मैंने देख लिया है लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस लोगों को सेप्रेशन मिल जाए तो इट हार्डली मैटर्स टू पीपल तो हैज़ टू बी अ जिस्ट कि आपको लॉ का जिस पता होना चाहिए उसी बेस पे आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए तो मेरी आर्ग्यूमेंट्स हमेशा बेसिकली इसी पॉइंट पर रही है एंड आई फील कि वही थोड़ा सा आपको अलग भी करता है बाकी लॉयर्स से जब आपको जज सुनने बैठता है कि यार यहाँ कुछ अलग लग रहा है और मैं उसी बेस पे मतलब मेन बेसिक एरिया मेरा खुद का वही है वंडरफुल थैंक यू सो मच फॉर सिम्प्लीफाइंग इतने लॉ के इतने भयानक टर्म्स होते हैं मतलब मैं बोलूँगा कि पढ़ने से ही ऐसा लगता है लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही सुन के ऐसा लगता है अरे रे कौन आने वाला है कौन है एंड वर्ड्स लाइक फेलनी और आपने uh, आपका ये अनाक्टमेंट है और ये है या फिर अगर बात करते हैं कि स्टेट वर्सेज डिस्क या फिर इस तरह की जो भी चीज़ सुनते हैं हम लोग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वर्क दैट यू ड्रोइंग ऑन सोशल मीडिया आई थिंक आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालते हैं वो तीस सेकंड का या फिर एक मिनट का डेढ़ मिनट का हमारे लिए उसके लिए मेहनत करते हैं आपने इतने सालों की मेहनत है आपकी लेकिन वो जो वक्त आप निकालते हैं फॉर योर ऑडियंस एंड फॉर एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया एंड लीगल लिटरेसी के लिए जो आप काम कर रहे हैं अक्षय आई मीन थैंक यू सो मच फॉर डूंग दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आर पॉडकास्ट एंड एंड लाइटनिंग ऑन ऑन दीज वेरी सब्जेक्ट्स आपका इतना वास्ट नॉलेज है हाउ डू यू फाइंड टाइम टू कीप यूर सेल्फ अपडेटेड एंड थोड़ा सा अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूँ आप क्या खाते हैं <laughs> जो सब खाते हैं प्योर वेजिटेरियन बस इतना ही नहीं रीज़न आई थिंक वास्ट नॉलेज लॉस की नहीं है बेसिकली ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इनिशियली इन इनिशियल डेज ऑफ माय लाइफ आई स्टार्टेड फॉर जुडिशल सर्विसिस आई प्रिपेयर्ड फॉर जुडिशल सर्विसिज़ तो उस समय आपको सारे लॉस पढ़ने पड़ते हैं तो जब मैं प्रैक्टिस में आ रहा था तब मेरे को शौक था कि उस समय शायद मैं जुडिशरी की तैयारी hmm. करूँ सभी को होता है इनिशियली क्योंकि hmm. आपको लगता है प्रैक्टिस काफ़ी टफ़ है तो मैंने सारे लॉस बहुत अच्छे से पढ़े थे उस समय लेकिन यूज़ काफ़ी कम का होता है जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो धीरे धीरे फिर मेरा एरिया वास्ट हो गया जब वेन आई स्टार्टड गेटिंग क्लाइंट्स फ्राम डिफरेंट एरियाज तो वो सारी नॉलेज मेरी यूज़ होने लग गई एंड आई स्टार्टड पिकिंग अप द क्लाइंट्स ऑल्सो तो दैट देर ओनली आई थिंक आई गॉट द बेनिफिट ऑफ हैविंग द ब्रॉड नॉलेज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉज यू कैन से दैट एंड हाउ डज़ योर शेड्यूल गोज लाइक आप कितने बजे उठते हैं और क्या खाते हैं उसके बाद क्या करते हैं शाम तक एक डे इन द लाइफ ऑफ अ लॉयर हु इज़ वर्किंग एज हार्ड एज यू आर तो कैसा रहता है वो एक दिन कभी भी मेरा मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई डे कभी कोई मैनेज नहीं रहा है बहुत अनमैनेजेबल अजीब सी लाइफ रही है हमेशा रफ एंड टफ कभी ये नहीं है कि किस टाइम उठना है मेरे को मेरा कोई टाइम नहीं उठने का अगर कोर्ट है तो ठीक है मैं उससे समय जल्दी उठूंगा और मैं दस बजे से पहले मुझे कोर्ट जाना है एंड कई बार मैं रात को बैठा हूँ तो रात को तीन चार बजे तक हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं स्टडी भी नहीं कर रहे तो लाइक मी एंड माई वाइफ बी बहुत हर लॉयर्स तो हम केस लॉ पर डिस्कस करते हैं शी इज इन अपोजिशन आई एम इन द प्रोक्यूशन ताकि अगर हम आपस में लड़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं किसी केस पॉइंट पे तो मैं पता हो कि कोर्ट में ये चीजें सामने वाला रख सकता है इसका हमें लूप निकालना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट तो ये डिस्कशन होता तो हमें पता नहीं होता हम कब सोएंगे कब हम उठेंगे तो वेरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देन अदर कपल्स आर हैविंग यू कैन say दैट हमारी आर्ग्यूमेंट थोड़ी डिफरेंट रहती है और इससे एक बेनिफिट ही मिलता है कि आपको लार्जर प्रोस्पेक्ट समझ आता है सोसाइटी का लॉस का और आपस में बातें करके कई बार आपको ऐसा भी होता है कि शायद जो झगड़ा आप में होने भी वाला था मेरे और मेरी वाइफ में भी तो वो सॉल्व हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि हमने इस पॉइंट पर भी डिस्कस करा है किसी केस को लेकर के। तो हम इस बात पर क्यों लड़ रहे हैं वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट दैट इशू और यू आर फेवरिंग दैट पार्टिकल इशू तो आप, आप इस बात पर लड़ रहे हैं तो हमारे झगड़े होते नहीं इस वजह से तो ऐसे आपस में रहता है कि ऐसे तुमने टावल बेड पे छोड़ दिया था आज तो आईपीसी का ये सेक्शन लगा दूंगी टाइप ऐसा कभी धमकी मिली है आपको ऐसा कभी लाइटर नोट आज तक ऐसा नहीं हाउ डू लॉयर्स टॉक अमंग ईच अदर लाइक किस तरह से बात करते हैं like, लाइक आपकी और आपकी वाइफ दोनों लॉयर्स हैं कि आपके डिस्कशन किस तरह के रहते हैं आप कुछ गलत होता हुआ देखते हैं सड़क पर तो तब डिस्कशन होता है नॉर्मली तो हमारा वैसे ही नॉर्मल लाइफ हम लीड करते हैं ऐसा कुछ एलियंस तो नहीं है बट हाँ जब हम हमें लगता है कुछ सोसाइटी में गलत हो रहा है लाइक फ्यू डेज बैक आई वी वर एबल टू मतलब एक एक्सीडेंट हमने देखा बेसिकली तो उसके बाद एक्सीडेंट uh, हमने सिचुएशन को कवर हैंडलिंग कियाडलिंग विक्टिम और मैंने किसी दूसरे को एक फील uh, करवाया कि आपको इसे हॉस्पिटल लेके जाना है यहाँ बहस का टाइम नहीं है तो वो सिचुएशन कवर हो जा हो गई लेकिन बाद में हम लोगों ने सच में एक दो घंटा डिस्कशन करा इस पॉइंट पर लेके कि क्या हो सकता था इसमें केस क्या फाइल हो सकता था और क्या उस लड़की को क्लेम मिलना चाहिए है उस लड़की का पैर कट चुका था हुँ. अब जिसने किया वो रिक्शा वाला था रिक्शा वाला हुँ. तो उसे क्या कंपनसेशन मिलेगा तो लोगों को पता नहीं कि अगर वो रिक्शा वाला उसे पैसे नहीं भी दे सकता वो तो इंडिजेंट है हुँ. आप कोर्ट से ले सकते हो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो मेडिकल दो हॉस्पिटल्स बता देते कि एक्सीडेंट केस है लेकिन कई बार नहीं बताया जाता हॉस्पिटल्स पट्टी वट्टी करके सेटलमेंट करवा के भेज देते हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में था कि शायद आप उस पब्लिक को अगर पता हो कि आप विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो आप एक सरकारी वकील कर सकते हो जो आपसे ज़्यादा पैसा ना ले तो शायद वो ज़्यादा विजिलेंट होते अपने लिए और एक्सीडेंट के लिए हमने तो एक टाइम था कि उनको गाइड करा ना हम आगे तो उसको गाइड नहीं कर पाए तो उसका आगे क्या होगा तो हमारा डिस्कशन एक डेढ़ घंटे तक चलता रहा तो हमारा डिस्कशन ऐसे किसी ना किसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि किसी केस को हम देख रहे हैं इस केस में आप होते तो क्या करते अगर ये केस आपके पास होता तो कैसे डील करते मे बी सम फेमस केसेस को भी हम कई बार इसी तरह से डिस्कस करते हैं अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंडरफुलेंस वंडरफुल एक्सपीरियंस वाज गुड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी दिस इज द आई थिंक द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव बीन ऑन सम रेडियो शो बेसिकलीट पोडकास्ट शो एंड देट इज़ समथिंग वेरी एक्साइटेड एक्साइटिंग फॉर मी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थिंक आपने हमें इतना ज़्यादा ज्ञान दिया है आपने हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज दी हैं आपने इतनी सारी चीज़ें दी हैं आई थिंक दडियंस विल ऑल्सो लव यू एंड दे विल लव यू मोर राइजिंग आफ्टर दैट एंड विद रेड एफ एम आई थिंक विल मेक श्योर दैट जो एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है विद एक्सपर्ट्स लाइक यू लीगल एक्सपर्ट्स लाइक यू एंड पीपल हु ब्रिंग सेंस टू Already, uh, I mean, a topic that, which is already very complicated. Mm. I think having you was uh, a great thing for our platform as well. So, thank you so much. For